सो है गाइस, वेलकम बैक योर जीके लेक्चर चैनल। और आई होप जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ अच्छी लग रही होगी। तो आज बात करेंगे इसके बारे में। तो इसकी ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ, साउंड टेस्ट की भी, वायरिंग की भी, अनबॉक्सिंग की भी। साउंड भी अच्छा है, फिर भी इस बोर्ड से सर्टिफाइड नहीं हूँ मैं, और बहुत से लोग हैं जिससे सर्टिफाइड नहीं है। उसका बेसिक सा एक ही कारण है, इसमें डबल सप्लाई लगाना है। 24024 इधर, 12 माफ कीजिएगा, 24024 इधर, 12012 इधर। अब इसकी वजह से ही सर्टिफाइड नहीं है बहुत से लोग। और दिल्ली मिल जाएगा आपको 550 का, 500 का भी मिल सकता है आपको, 500 तक का मिल जाएगा। लेकिन कहीं अगर लोकल से लोगे तो मेरे को, मैंने तो 600 का लिया था। और चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिसके में बहुत ज़्यादा नीड है। तो बात करनी है इसी की। तो इसमें हमें मिल जाती है 2 20 30, जो कि सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए है। एक आईसी पे 2 स्पीकर्स चला सकते हैं, यानी 4 सैटेलाइट स्पीकर और 100 वाट का बेस चला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है 6.5 इंचेस का बूफर, वो बूफर बड़ी इजीली चलेगा। और बिल्कुल जो मैंने साउंड टेस्ट करी है उसी की तरह, बिल्कुल सेम उसी की तरह चलेगा, वैसे ही अगर आप कैबिनेट बनाओगे तो। क्योंकि जो मेरा मेन पर्सनल एम्पलीफायर है उसके अंदर मेरे पे एक ऑलरेडी इस तरह का पहले बोर्ड था, तो मैंने उसको काट के डबल सप्लाई की वजह से ही परेशान होकर मैंने काट दिया। हालांकि मेरे पर ट्रांसफार्मर है 12012, 24024 और 12 जीरो का, फिर भी मैंने उसकी इसकी इतनी किट अलग कर दी, यानी कि 72 94 का सेक्शन अलग कर दिया और 30 20 30 का अलग हैक रखा है कबाड़े में। तो उसी से चलाता हूँ मैं अपना 100 वाट का सबवूफर। साउंड काफ़ी अच्छी होती है, और जो इसका लो पास फिल्टर है इसी का इस्तेमाल करके उस आईसी को भी लो पास फिल्टर देता हूँ। तो फोन गिर गया मेरा नीचे, कैमरा कर लेता हूँ मैं अपने से। तो इसकी वीडियो अगर चाहते हो कि पूरा अलग करके इसको चलाऊं तो कमेंट में बता देना मेरे को, मैं करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से। अगर किसी के पास है पुराना है तो, और जो डबल सप्लाई की वजह से परेशान हो चुका है, ले लिया शौक शौक में, तो इसको अलग करके भी चला सकते हैं। 100 वाट का एम्पलीफायर आप प्रॉपर बना सकते हो, प्रॉपर ये भी होम थिएटर किट है। फिर आप इससे 100 वाट का एम्पलीफायर बना सकते हो, बेस ट्रेवल किट लगा के, जो कि दिखा दूंगा। फिर आप इससे, यार ये फोन मेरा क्यों गिर जा रहा है बार बार। तो आई होप आपके नहीं गिरेगा। तो इस तरह की किट लगा के फिर आप 100 वाट का प्रॉपर इससे एम्पलीफायर बन सकते हैं। और जो चाहते हैं कि इस बोर्ड को लेना तो मत लेना दोस्तों, वेस्ट ऑफ मनी है। बोर्ड की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट वही दिक्कत होम थिएटर वाली और डबल सप्लाई वाली, और ये होम थिएटर के लिए है। तो 100 वाट का अगर इस बोर्ड के साथ आप और चलाना चाहते हो तो इससे आईसी से लो फ्रिक्वेंसी ही निकलेगी आपकी, इसके अगर इसको चलाना चाहते हो तो इनसे वॉइस निकलेगी। बट अगर आप डबल सप्लाई दोगे तो, और उस तरीके से भी नहीं चलाना चाहते तो सिंगल सप्लाई पे चल सकता है। लगभग लगभग 18018 का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, जो कि दोनों को पैरेलल करके चला दो तो भी आपका ये बोर्ड चल जाएगा एक ही ट्रांसफार्मर से। बट उसमें फिर आपको कुछ कैपेसिटर्स बदलने हो सकते हैं, ये वाले जो छोटे वाले हैं इनको बदल के ज़्यादा के लगा देना, जो भी वैल्यू से 10 वोल्ट बढ़ा देना, बस ये काम कर जाएगा हमारा। और अगर चाहते हो कि बिगड़ तोड़े ऐसे के ऐसे ही सिर्फ 72 94 हमारा काम करे और उसमें बेस ट्रेवल लगा के एम्पलीफायर की तरह काम करे, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है, मैंने कर रखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊँ तो मेरे को कमेंट में बता देना, प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। या तो आप 24024 ट्रांसफार्मर से चला सकते हो, या ये सप्लाई है, ये लगभग लाजपत राय में आपको मिल जाएगी 400 रुपये की, 400 से 350 की आपको मिल जाएगी। 24024 है ये और 5 एम्पियर की है। तो एक बेसिक सा बता दूं कि अगर इसको आपको चलाने तक है चला, तो सीधा सीधा इसमें पहले 24024 की वायरिंग करेंगे। और जो इसकी बेस ट्रेवल वाली लैग है ना, इधर से दिखाऊं, जो इसकी बेस ट्रेवल वाली जो लैग है, तो सेंटर वाली तो हमारी इसकी ग्राउंड हो जाएगी, और जो ऊपर वाली जो लैग है यहाँ से हम ऑडियो इनपुट कर देंगे किसी भी कार्ड की मदद से, ब्लूटूथ कार्ड हो या आपका बेस ट्रेवल बोर्ड हो, उसकी मदद से। फिर भी ये बोर्ड नहीं चलेगा,
पावर सप्लाई जा चुकी है, ऑडियो जा चुकी है, लेकिन ये बोर्ड नहीं चलेगा। उसका एक कारण है, इस 20-30 के बोर्ड से इसका एक संबंध है, और वो संबंध क्या है वो दिखा देता हूँ मैं कि क्या कारण है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक जम्पर भी टूट गया है, पता नहीं कैसे जल गया ये, तो कोई बात नहीं। अरे यार, आपके तो डैमेज हो गई भाई, ज़्यादा डैमेज हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 बार मेरा कैमरा गिर चुका है, पता नहीं क्यों। तो पहले मैं अपना कैमरा सेट कर लेता हूँ। और जो ये वाली दिख रही है ना जम्पर आपको, इस वाली जम्पर को हटा के, इस वाली जम्पर को उखाड़ के, इस पे प्लस, यानी यहाँ से जो कैपेसिटर, जो इसके कैपेसिटर से जो प्लस वायर आ रही होगी ना, यानी कि यहाँ से ये वाले जम्पर को यहाँ पे लगाना होगा, तब आपका ये आईसी स्टार्ट होगी, वरना ये नहीं चलेगा 7294। मैं पहले बता देता हूँ। अगर चाहते हो कि इसकी प्रॉपर वीडियो आए तो प्रॉपर वीडियो कमेंट में बता देना। कमेंट और रिस्पॉन्स अच्छा होगा, ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो ही बताऊँगा, वरना वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। और कमेंट कर देना, देख लूँगा बनानी है कि नहीं बनानी। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। और किसी के पास ये बोर्ड कोई लेने के लिए सोच रहा है ना, तो सीरियसली मत लेना। मैंने 12012 से भी चलाया, इसके कैपेसिटर उड़ जाते हैं यार, पता नहीं क्यों। साउंड क्वालिटी अच्छी है, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन इस बोर्ड से नहीं मिलता। अगर आपको 100 वाट का बोर्ड चाहिए ही, तो आप 2280 2200 वाला, लगभग लगभग 500 रुपये का या 400 रुपये का आपको दिल्ली से मिल जाएगा। कहीं से लोगे तो 500 600 का ही पड़ेगा। 500 600 का तो आपको डबल 200 वाट का बोर्ड मिल जाएगा। उसकी जगह 2280 2200 ले लेना इसकी जगह, बट इसको मत लेना। क्वालिटी मिल जाएगी लेकिन बहुत झमेला है, परेशान होगा, रिपेयरिंग का काम इसमें ज़्यादा है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, बोर्ड को मत लेना। साउंड अच्छी है, बट वही परेशान हो गए तो ऐसे साउंड का क्या फ़ायदा। कैनाटोन स्टार का बम बिना टाइम के फटे तो कैसा बम, तो वही बात है बस। तो हमेशा की तरह आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। और वीडियो पे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक करें, नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और चाहते हो कि इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊँ अलग करके, जो भी चाहते हो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।